क्योंकि ये जहर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से आजाद करा देगा। रसोईया जी, अब तक कैदी का खाना परोसकर चले गए होंगे। कैदी के खाने का वक्त हो गया, ले चलो। चित और पट, सुदाना का दांव पट और तारा का दांव चित। कहीं होना चाहिए। दरवाजा, इस खुले का खटका यही कहीं होना चाहिए। पन्नालाल जी कहाँ हैं? उन्हें यही कहीं होना चाहिए था। वो यहाँ किसी वक्त भी आ सकते हैं, लेकिन कैदियों के खाने देने का वक्त हो चुका है। पर तुम्हें यही रुकना होगा, क्योंकि पन्नालाल के देखे बिना खाना कैदियों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। मुझे तो शनि के पास हर कीमत में पहुंचना ही होगा। इस दरवाजे का खटका है कहां? सुल्ताना, तुम यहाँ कैसे? शनि, मुझे अपने जान पर खेल कर भी तुम तक पहुँचना ही था। सुल्ताना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ तक पहुँच सकोगी, लेकिन मुझे तुम्हारा इंतजार था। शनि, तुमने जिस चीज की मांग की थी वो मैं ले आई हूँ, ये लो। वहीं रुक जाओ। शनि, क्यों, क्या हुआ? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं सुल्ताना, रुक जाओ, उस तक पहुंचने का खतरा मत खाओ। खतरा? कौन सा खतरा? वो देखो, वो। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये यंत्र तबाही मचा देगा। शनि, तबाही मचाने? हमारी दुश्मनी नहीं, भागीदार भी पहुंच रहे हैं। तुम्हारा इशारा तारा और क्रूर सिंह की तरफ तो नहीं? हाँ हाँ,
उन दोनों ने कसम खाई है, वो तुम्हें खत्म करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ किस भी वक्त पहुँच सकते हैं, किसी भी जरिए से, किसी भी तरीके से यहाँ पहुँच जाएंगे। नहीं नहीं पहुँचेंगी, ये नामुमकिन है। ठीक है, ये खाना कैदी तक पहुंचा दो, मैं वहां पर तत्काल पहुंचता हूं। शनी, तुम्हारी आजादी के खातिर ये सुई तुम तक पहुंचानी होगी। हाँ सुल्ताना, इसे पहुंचाना भी है और खतरे से बचना भी है। ठहरो, मेरी सोच रास्ता तलाश रही है। सोचते तो मुझे कोई पाशीदा, कोई पोशीदा तरकीब मुझे चाहिए, जरा सोचने दो। शनि, ये रहा जरिया, ये लो। सुल्ताना, खतरे का ऐलान हो चुका है। शनि जाओ, मैं तुम्हें ऐसे हालत में छोड़ नहीं जा सकती हूँ। नहीं जाओ, फौरन जाओ। तुम सूर्या किसी भी वक्त आ सकता है, जाओ तुम। नहीं जाओ सुल्ताना, जाओ जाओ। शुक्रिया सुल्ताना, इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शनी, शनी कौन था, कौन आया था इधर? यहाँ कोई ना कोई जरूर दाखिल हुआ है। ये यंत्र गलत बयानी नहीं कर सकता। पन्ना, चुन्नी, रामनारायण, ढूंढो। हाँ, जो भी है यहीं कहीं है। अब ढूंढते रहो सूर्य। सूर्या, यहाँ पर तो किसी का नंबर निशान तक नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता पन्नालाल, ये यंत्र गलत संकेत दे ही नहीं सकता। ये देखो पन्ना। हाँ सूर्या, किसी ने इस पोशीदा रास्ते का इस्तेमाल किया है। और वो जो भी है वो इसी रास्ते से वापस भी गया है। हाँ, तुम तीनों इस दरिंदे पर निगरानी रखो, मैं दुश्मन से निपटता हूं। पीछा करके ये कहीं सुल्ताना को पकड़ न ले। शनि के दोनों हाथों को पीछे बांधकर उसमें हथकड़ियां लगा दो। खुले हाथों से कोई भी वारदात कर सकता है। अब आ गई है मेरी हिम्मत और अक्ल दोनों की घड़ी। धनपाल, तुम खाना इसे खुद अपने हाथों से खिलाना। और सुनो, दोनों होशियार रहना, मैं सूर्य को देखता हूं। उन्होंने दुश्मन को अब तक शर्तियां पकड़ लिया होगा।
मुझे बहुत होशियारी से कदम उठाना होगा। यही मौका है मेरी आजादी और कैद के बीच। मुझे मालूम है यही हो। अपने आप को सूर्य के हवाले कर दो। की आवाज, निश्चय ही बंदी ग्रह में कोई खतरा घटित हुआ है।
शनि यहीं कहीं है। उसने बंदी गृह का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। तब तो उसे तोड़ना ही होगा। शनि, तुम बच कर नहीं जा सकते। खुद को हमारे हवाले कर दो। शनि, इसका भी कत्ल ये शर्ती और दरिंदे शनि की करतूत है। ढूंढो उसे। सैनिकों, बंदिका को चार तरफ से घेर लो। लाकर उधर, वरना चुन्नी, ढूंढो उसे। इनमें तलाशो, देखो यहां भी देखो, वहां भी देखो, ढूंढो, वो कहीं भी चुन सकता है। ये किसकी लाश हो सकती है? सूर्य प्रताप जी, यहां पाकशाला का भंडारी धनपाल बेहोश पड़ा है। इसकी सांसें अभी तक चल रही हैं। तो इसे फौरन उपचार के लिए भेज दो। जी अच्छा। इस शनि का नामो निशान। ये शनि कहीं सुरंग के रास्ते से फरार तो नहीं हो गया? ये कैसे हो सकता है? यंत्र की पुकार सुनते ही मैं सुरंग के रास्ते ही तो लौटा हूं। खून, ये कहां से आया? सिपाहियों, इस बोरे को खोलो, देखो इसमें क्या है। खोलो, जल्दी खोलो। चेहरा तक बेपहचान कर दिया है, इतना खून देखा नहीं जाता। चलो, सुरंग की तलाशी लेके मैंने उसे सील बंद कर दिया। ताज्जुब, ऐसे शनि कैसे हवा हो सकता है? सूर्या जी, पन्ना जी, शनि की लाश। शनि, शनि की लाश क्या?